चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक अमंग ऑफ देम। उस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि एनिमल सिक्रीट करते हैं, और उसमें से ये भी बताना है कि, और वो एनिमल तो सिक्रीट करते ही साथ साथ में वही एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया अमोनिया, तीसरा है यूरिया, चौथा दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उससे कम टॉक्सिक क्या होता है, यूरिया होता है, और सबसे कम टॉक्सिक जो है वो यूरिक एसिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है टॉक्सिक मोर टॉक्सिक पूछा जाता है, कभी कभी जो है मॉडरेट टॉक्सिक पूछा जाता है, कभी कभी लीस्ट टॉक्सिक पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया के सिक्रीशन में बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती, उससे कम वाटर की जरूरत यूरिया में पड़ती, और उससे भी कम जो है यूरिक एसिड में पड़ती। तो यहाँ पर लीस्ट टॉक्सिक की बात की गई है, किसकी बात की, लीस्ट टॉक्सिक की। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपीस एक्टिविटी फाउंड इन एटीपी। एटीपी जो एंजाइम होता है, एटीपीएस एंजाइम, ये किसके ऊपर जाके एक्टिवेट होता है, मींस किस पे एक्टिविटी शो करता है। पहला ऑप्शन है मायोसिन फिलामेंट, दूसरा ऑप्शन एक्टिन फिलामेंट, तीसरा है क्या इन दोनों के ऊपर करता है, चौथा दिया नन ऑफ दिस। किस पे करता है ये जो एटीपीस एंजाइम है, ये किस पे एक्ट करता है, मायोसिन फिलामेंट पे करता है। किस पे करता है, मायोसिन फिलामेंट पे करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल बैंड दैट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल इज। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या हमारी मसल्स रिलैक्स पोजिशन पे है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मीन्स ऐसा कौन सा बैंड है, मसल बैंड जिसपे कोई भी चेंज, मीन्स अनचेंज, कोई भी चेंज वो शो नहीं करता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सबसे पहला ऑप्शन दिया ए बैंड, दूसरा आई बैंड, तीसरा एच बैंड, और चौथा जी दिया है जेड लाइन। ए बैंड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये अनचेंज होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉक्सिक एसिड या टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेटेड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन इन। जो ये टॉक्सिक, ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये कब बनता है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी में इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। पाइरविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है जब हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। और इस कंडीशन में जो ग्लाइकोजन है, इसका कन्वर्जन किसके अंदर होता है, पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा है मसल, तीसरा है किडनी, चौथा है पैंक्रियास। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इन लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, पहला ऑप्शन है थाइमस, दूसरा स्किन, तीसरा पिट्यूटरी, और चौथा है पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन। और इस मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी 24 आवर साइकिल चलती है, प्रॉपर समय पे खाना खाना, प्रॉपर समय पे सो उठना सोना, सब कुछ, कब हमें भूख लग रही, कब हमें प्यास लग रही, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन हार्मोन कंट्रोल करता है। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, पाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन। इन चारों में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, एल्ड्रोस्ट्रॉन होता है, एंड्रोजन भी है और एस्ट्रोजन भी है, बट रिलैक्सिन जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता है, रिलैक्सिन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता है, कैल्शियम करता है, सी ए एम पी भी करता है, और सी जी एम पी भी करता है, बट सोडियम जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह परफॉर्मेंस नहीं देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बॉडी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। पोलर बॉडी किसके फॉर्मेशन के समय प्रोड्यूस होता है, पहला ऑप्शन है स्पर्म, दूसरा है सेकेंडरी ओसाइट, तीसरा है ओगोनिया, चौथा है स्पर्मेटोसाइट। पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, सेकेंडरी ओसाइट के समय, बट
अगर क्वेश्चन में ये पूछा था, आप पोलर बॉडी पूछ ले, फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी ये तो नहीं पूछा गया, बट अगर पूछा जाए फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन और सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जब सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर फर्स्ट म्यूऑन डिवीजन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और इसी सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर जब सेकेंड म्यूऑटिक डिवीजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड एनर्जी इट टू फर्टिलाइज द एग, स्पर्म का कौन सा पार्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, ताकि वो स्पर्म को एनर्जी मिले और उस एनर्जी से वो परफॉर्मेंस करे और साथ साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक इजिली पहुंच जाए। पहला ऑप्शन है स्पर्म हेड, दूसरा ऑप्शन है एक्रोसोम, तीसरा स्पर्म टेल, चौथा मिडिल पीस। मिडिल पीस के पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। तो मिडिल पीस, स्पर्म का मिडिल पीस क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो फर्टिलाइज इजिली कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अमीनोसेंटेसिस द फ्लूड इज टेकन फ्रॉम, अमीनोसेंटेसिस टेक्निक में फ्लूड कहाँ से लिया जाता है। पहला ऑप्शन है फीटल ब्लड, दूसरा ऑप्शन है मदर ब्लड, तीसरा ऑप्शन है बॉडी फ्लूड ऑफ मदर, चौथा ऑप्शन है फ्लूड सराउंडिंग फ्यूटस। जो फ्लूड बच्चे के आसपास होगा वही तो फ्लूड लेके एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो अमीनोसेंटेसिस टेक्निक में फ्लूड कहाँ से लिया जाता है, जो फ्लूड फ्यूटस के आसपास होता है। सो द करेक्ट आंसर इज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ अ सेगमेंट सर्जिकली एंड लिगेशन ऑफ कट एंड ऑफ द वाज डिफेंस इज नोन एज, सर्जिकल मेथड, दो सर्जिकल मेथड होते हैं, वेसिकोटॉमी और एक ट्यूबिकोटॉमी। ट्यूबिकोटॉमी फीमेल में यूज किया था, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइटली बाइंड कर दिया जाता है, और यहाँ पे वाज डिफेंस की बात की गई है, तो वाज डिफेंस जिसमें कट किया जाता है मेल में कट किया जाता है, वाज डिफेंस की कटिंग किसमें की जाती है, मेल में कट की जाती है, और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी, क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, आने वाले लेक्चर में सर तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।